नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल NKJ क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, अगर आपकी नक सिर फूट गई हो तो आम की गुठली को पीसकर उसका रस निकाल लें, फिर इस रस को नाक में बूंद बूंद करके टपकाएं, इससे खून बहना रुक जाएगा। नंबर दो, लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। नंबर तीन, दांत में दर्द हो तो इलायची वाला चाय पिएं। नंबर चार, पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। नंबर पाँच, रात में नींद खुलने के तुरंत बाद पानी पीने से जुकाम और खांसी हो जाती है। नंबर छः, अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहती हैं तो रोटी के साथ प्याज खाएं, पानी में नींबू डालकर पिएं, दिन में दो बार ही खाना खाएं और रात में सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी या एक गिलास गर्म दूध जरूर पिएं। नंबर सात, चेहरे पर रोज नारियल तेल से मसाज करने पर चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं और चेहरा चमकदार और मुलायम हो जाता है। नंबर आठ, रात को सोने से पहले एक चम्मच खसखस को पानी में भिगो दें और सुबह खसखस को पीसकर दूध में मिक्स करके पी लें। ऐसा करने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और साथ ही जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। नंबर नौ, रोजाना 20 से 30 मिनट का समय जरूर निकालें वर्कआउट करने के लिए। यकीन मानिए, इससे आप अपने सिर्फ बॉडी को फिट नहीं रख सकते हैं बल्कि अपनी उम्र को भी कई साल बढ़ा सकते हैं। वर्कआउट का मतलब जिम जाकर घंटों पसीना बहाना नहीं होता है बल्कि घर के नॉर्मल कामकाज से भी आसानी से खुद को फिट रखा जा सकता है। नंबर 10, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो तो सुबह एवं शाम को प्याज का रस गर्म करके एक तोला पिलाने से कीड़े अवश्य ही मर जाते हैं। नंबर 11, नींबू का रस और एक चम्मच शहद को एक गिलास गर्म पानी में प्रतिदिन मिलाकर पीने से मोटापा दूर होता है। ऐसा 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए, इससे आपका मोटापा जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर 12, कान में दर्द हो तो प्याज को पीसकर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 13, पथरी होने पर खीरे का रस निकालकर पीने से पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। खीरे का रस 250 मिलीलीटर की मात्रा में 3 बार पीने से पेशाब की जलन और रुकावट भी दूर होती है और यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभकारी होता है। नंबर 14, कई बार चावल लंबे समय तक स्टोर करके रखने पर उसमें कीड़े लग जाते हैं, इसके लिए चावल के डब्बे में थोड़ा सा नमक मिलाकर रख दें तो चावल में कीड़े नहीं लगेंगे। नंबर 15, जो औरतें हमेशा बैठकर झाड़ू पोछा लगाती हैं वह कमर दर्द की बीमारी से बची रहती हैं, साथ ही मोटापे की बीमारी से भी दूर रहती हैं। नंबर 16, थोड़ी देर कान में उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताजा हो जाता है। नंबर 17, सुबह की धूप बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, इससे शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और धूप सेकने से कई तरह की स्किन समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 18, दिन में 8 गिलास पानी जरूर पिए क्योंकि आपका शरीर 80% पानी से बना है और पानी कब्ज को दूर करने, इम्यूनिटी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। नंबर 19, गन्ने के रस में थोड़ा सा बर्फ और आधा नींबू निचोड़कर पीने से उल्टी आना रुक जाती है। नंबर 20, रात को 4 चम्मच देसी घी में 1 रत्ती केसर मिलाकर सेवन करने से कब्ज की दिक्कत दूर हो जाएगी। नंबर 21, घर में अगर चींटियां आ रही हैं तो चींटियां आने वाली जगह पर थोड़ा सा कपड़े धोने का साबुन लगा दें, इससे चींटियां भाग जाएंगी। नंबर 22, अगर 2 बर्तन आपस में फंस गए हैं तो फंसी हुई जगह पर थोड़ा सा तेल लगा दें, आधे घंटे बाद थोड़ा सा घुमाने पर ही बर्तन निकल जाएगा। नंबर 23, अगर आप दूध को किसी वजह से फ्रिज में नहीं रख पा रहे हैं
तो उबालते समय उसमें एक इलायची तोड़कर डाल दें, इससे दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता है। नंबर 24, बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। नंबर 25, जो लोग मोटापे का शिकार रहते हैं और उनकी टांगों में खिंचाव रहता है, ऐसे लोगों को चावल खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चावल उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। नंबर 26, तेज चलने वाले व्यक्ति का शरीर कभी भी ढीला नहीं पड़ता है। नंबर 27, दुनिया का सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाने वाली सब्जी आलू है। आलू खाने से जितना वजन नहीं बढ़ता है, वजन बढ़ता है उतना पिज्जा बर्गर खाने से नहीं बढ़ता है। नंबर 28, आँखों के चारों ओर कालापन होने पर खीरे के रस में रुई को भिगोकर पलकों और आँखों के आसपास कुछ देर तक रखें और फिर साफ कर लें। इसका प्रयोग करने से 2 से 3 सप्ताह में ही आँखों के नीचे और आसपास के काले घेरे दूर हो जाते हैं। नंबर 29, सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। नंबर 30, औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात को 3 खजूर पानी में भिगो दे और अगले दिन सुबह खाली पेट यह पानी पी लें और खजूर खा लें। नंबर 31, पेट के केचुए एवं कीड़े को ख़त्म करने के लिए 1 बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस एवं शहद समान मात्रा में मिलाकर मध्यम सुबह और शाम को पीने से केचुए तथा कीड़े 4 से 5 दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं। नंबर 32, सोने के पहले 30 मिनट वॉक करना आपको स्ट्रेस फ्री महसूस करने में मदद कर सकता है, साथ ही ये नींद को बेहतर बनाता है और हाई बीपी और शुगर की समस्याओं से भी बचाता है। नंबर 33, तुलसी और अदरक का रस 5 से 7 बूंद शहद में मिलाकर चाटाने से बच्चों का कफ, सर्दी और जुकाम ठीक हो जाता है। नंबर 34, दूध के साथ खजूर खाने से भूलने की बीमारी ठीक हो जाती है। नंबर 35, खाना खाने से पहले कोई फल खाने से शरीर में कमजोरी नहीं आती है। नंबर 36, पानी ज़्यादा पिया करें, इससे व्यक्ति में बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है और चेहरा भी ग्लो करता रहता है। नंबर 37, दांत में दर्द हो तो हल्दी एवं सेंधा नमक महीन पीसकर उससे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द बंद हो जाता है। नंबर 38, जिनकी उम्र 40 की हो जाए उन्हें चुकंदर का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 39, अगर दिन में 3 बार गर्म पानी पीने की आदत डाल ली जाए तो शरीर को बीमारियों से बचाया जा सकता है। नंबर 40, गिल्टी के दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्याज को पीसकर उसे गर्म कर लें, फिर उसमें गोमूत्र मिलाकर छोटी सी टिकड़ी बना लें और उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।